मुझे आज आपको एक खुशखबरी देनी है। तो हम लोग अभी रेडी होके बाहर आ गए हैं और अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। बुरा लगेगा सो स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मुझे आज आपको एक खुशखबरी देनी है कि मैं फिर से वीडियो अपलोड करने में बहुत ही ज्यादा लेट हूँ। और हाँ, और ये जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। आपको मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, बताऊंगी धीरे धीरे, वीडियो जैसे जैसे आएगा तभी आपको रीजन पता चलेगा, अभी मैं रिवील नहीं कर सकती। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 24 का और 25 का दिखा दिया था कि क्या क्या हुआ था, और 26 को था एंगेजमेंट, तो उसके लिए भाई लोग सब कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। अरे प्रिंस लोग जा रहा है मार्केटिंग करने के लिए, एक हीरो गया, एक हीरो इधर है। बैठे बोलू। हां वहीं बैठ इधर आओ बैठ। अरे बैठो इधर, ठीक है। ठीक है ठीक। इसका बाल देखे सतना बोलते हैं, आप संगीत है ना, भरा करवा लो। चलो अच्छे से शॉपिंग करना सबको, चलो खाना मत। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हम लोग होटल आ चुके हैं और दुल्हन यहाँ पर चिल्ली चाउमीन इंजॉय कर रही है। ये अकेले नहीं है, और भी है, सिम्मी भी यहाँ पे खा रही है, सोना भी खा रही है, और यहाँ पे बंटी दी रही। सो मैं यहाँ पर यही बता रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ था, ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ और मुझे फिर कॉल आ गया कि अब आ जाओ रिंग सेरेमनी के लिए। सो हम लोग लेकर लूसी को जा रहे थे रिंग सेरेमनी के लिए। तो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था कि जीजू नीचे बैठ कर लूसी को रिंग पहनाएंगे, और उधर से लड़के वाले भी पूरा एफर्ट डाले हुए थे कि नहीं बैठेंगे, और लड़की वाले भी पूरा एफर्ट डाले हुए थे कि बैठेंगे। फिर जीजू की भाभी आई और उन्होंने कान में कहा कि अरे बैठने के लिए बोल रही है ना, ठीक है फिर सोफे पे बैठ जाओ। तो जीजू सोफे पे बैठ गए। फिर ऐसे ही छोटा मोटा नोक झोंक होता रहा, और उसके बाद फिर फाइनली जीत किसकी हुई वो देखो आप। सो फाइनली जीत लड़की वालों को हुई, आखिर मेरी बहन लग ही रही थी प्रिंसेस, सो जीजू को झुकना पड़ा। उसके बाद फिर फोटो सेशन स्टार्ट हो गया। फिर फोटो सेशन के बाद स्टार्ट हो गया डांस, और लूसी और जीजू ने बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस किया। देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गौर किया कि जब भी मैंने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, सी इज़ गिविंग मी अटेंशन एवरीवेयर, सो थैंक यू लूसी। और फिर यहाँ पर सब भाई लोग मिलकर खाना खा रहे थे, और मुझे रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लिटरली बता रही हूँ मैं, इतने लोगों के बीच में मेरी बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैंने जीजू से पूछा, क्या अच्छा लगा आपको? गुलाब जामुन चल रहा है जीजू का इधर। उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया फोटो सेशन, और प्रिंस यहाँ पे पीछे से टीज कर रहा था लूसी और जीजू को।
सो 27 के मॉर्निंग को सबसे पहले हम लोग गए देवी मंडप देवी माँ का पूजा करने के लिए, क्योंकि शादी का कोई भी रस्म उस दिन स्टार्ट होने से पहले देवी माँ का पूजा किया जाता है। सो यहाँ पे बड़ी मम्मी अभी देवी माँ को सिंगार चढ़ा रही है, उनके जो 7 रूप होते हैं उसमें सिंगार चढ़ा रही है। सो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको रस्म के बारे में बताने वाली हूँ वो है जोग मांगने का रस्म, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो मेरी मम्मी ने बताया कि 2 साइड 2 लेडीज बैठती हैं और वो जो है लड़के वाले होने का रोल निभाती हैं, और बीच में एक और लेडीज आती है जो लड़के को लेकर इधर उधर घूमती हैं और क्वेश्चन पूछती हैं। जो बैठी हुई रहती वो क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या कर रही हो, तो जो इधर इधर लेके घूमती है लड़की को तो वो बोलती हैं कि मैं लड़का देखने आई हूँ और लड़की सोपने आई हूँ। सो बीच में एक और लेडीज आती है और वो क्या करती है, वो आम का पत्ता लेके उसे भगाती है और कहती है कि जाओ यहाँ से, जो मैं अपना लड़का नहीं सोपूंगी। लाइक वाइज ऐसे कोई रस्म होता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है मुझे तो देखने में। वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। वो आप ही देखो लड़का देखने लड़की से अपने अभी हम मुड़ेंगे तो पीछे से मार दीजिएगा। मारिए, पानी में भिगा दे, पानी में भिगा दे, पानी में भिगा के मार दा, जोर से मारिएगा। लड़का देखने लड़की से बोले मार दिखाना है। लड़की से ओपन सो द्वार छिकाई का रस्म तो हो गया और फुआ और मोना दी को नेक भी मिल गया। उसके बाद फिर उन लोग को करके दिखाना था डांस, वहीं यहाँ पे वो लोग कर रही हैं। उसके बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और यहाँ पर हो रहा है स्टार्टिंग गिद्धारी का पूजा का। और यहाँ पर मम्मी बता रही है कि कैसे गिद्धारी का पूजा करना है, और ये जो रस्म होता है वो भी घर के सवासिन ही करवाती है। घर के सवासिन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि फुआ को कहा जाता है, सो यहाँ पे मेरी छोटी फुआ यहाँ पे अभी गिद्धारी का रस्म करवा रही है। और ये जो मड़वा जिसपे सपोर्ट दिया हुआ है, इस 5 सपोर्ट पे गिद्धारी का रस्म होता है, सो वही अभी मेरी फुआ करवा रही है और मम्मी बता रही है कैसे कैसे करना है। अभी पापा जा रहे हैं बहुत दिन बाद मेरी बड़ी फुआ से मिलने, लेट्स सी क्या होता है उनका रिएक्शन। सो जैसा रिएक्शन मैं चाह रही थी वैसा रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आया, और शाम हो गया और शाम होने के बाद फिर शादी के लिए सबको तैयार होने लगे और फिर जाने लगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो जो है शादी का स्टार्ट करने वाली हूँ और इतने हल्के में मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो आप
आपको भी बुरा लगेगा और मुझे भी बुरा लगेगा। सो स्टार्ट करने से पहले बाहर आ गए हैं और अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। अभी जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। मेरा भाई अमन रेडी हो गया, प्रिंस वहाँ पे जाके रेडी होगा, सिम्मी रेडी हो गई है। तो ये रहा सादे से रिलेटेड नोट और ये रही कुछ मछलियाँ और ये रहा बारात। बारात आने के बाद फिर हम लोग जल्दी से लूसी को रूम पे लेके जाने लगे क्योंकि उसको फिर से जयमाला के टाइम एंट्री अच्छा से लेना था। इसीलिए बारात आ गई और फिर जो आगे क्या हुआ वो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी पार्ट टू में। सो उसके लिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिखाना और फिर थोड़ा सा छुपाना, उसी में असली मजा है। सो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गाड़ी बैठती है जो कि लड़के वाले होने का रोल निभाती है और यहाँ पर आ गया गाड़ी जो कि मेरा पूरा वीडियो खराब है। क्योंकि वीडियो हालांकि छत में बहुत ही ज्यादा धूप है लेकिन चलेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको रस्म के बारे में बताने वाली हूँ